सेम टैम्पर करना चाहते हैं अपने अपोनेंट को, बट अभी के लिए वो नेट सही जगह पे गया नहीं। अगर वो सही जगह जाता तो शायद वैल्यू भी मिलती, बट वहीं पे अब जाएगा सही जगह एटलस का वो नेट ढूंढेगा मास्टर को, मुश्किलों में एचजी की टीम है और उसका आपको फायदा मिलता है। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा भी सकते हैं, पर अब रॉबिन वो आखिरी खिलाड़ी है, जाते जाते शायद एक खिलाड़ी को अपने साथ लेकर जा सकते हैं, पर उन्होंने दो खिलाड़ी को रोक दिया, तीसरा खिलाड़ी डैमेज बहुत ज्यादा, गन स्विच करने की वो गलती कर बैठे और इस चक्कर में उनका जो एलिमिनेशन है वो होगा। मास्टर वो बहुत ज्यादा दूर है, बट क्या कॉल है यहाँ पे यश की, बिकॉज आप देखिए वो सीधा सीधा आगे बढ़ रहे हैं वहाँ पे मास्टर की तरफ, बट उस खिलाड़ी को ऑलरेडी स्पॉट कर दिया जा चुका था। बढ़िया, उनके लिए भी नहीं रहा, एचजी तो भिड़ गए थे वहीं पर एलिमिनेशन में देखने को मिला। ये पुरेन चेस थर्ड में हीरो विल ही गिव अप। గాయపడిన సింహం నుంచి వచ్చే శ్వాస కచ్చన కన్న భయంకరంగా ఉంటుంది। वेस्टवेल के साथ आगे बढ़ने का प्रयास, एक प्लेयर को नॉक देने की कोशिश, कामयाब हो जाएंगे वहाँ पे, एक खिलाड़ी नॉक है, दूसरे खिलाड़ी को स्पॉट करने का भी वो प्रयास कर रहे हैं, आगे जरूर बढ़ेंगे। रिवाइवल की प्रक्रिया चालू नहीं की जाएगी, पर दूसरे प्लेयर को भी नॉक कर देंगे डेविड, वो इंतजार कर रहे थे, तीसरा खिलाड़ी नॉक कर दिया जाएगा वहाँ पे, देखते ही देखते तीन फिनिश अपने नाम पे लेके जाएगा ये खिलाड़ी। थी बट अभी भी एचजी के रोबिन, he is the last man standing and दूर दराज इलाकों से वो सब देख सकता है प्लेयर। नेट करते हुए सैयद बचना पड़ेगा इस नेट से, सही जगह पे नेट जाएगा, रॉबिन का शिकार बनेंगे सैयद। ना केवल यहाँ पे फिनिशेस निकाले हैं, बट एट द सेम टाइम पोजीशन के जो दर्शक वो अपनी टीम के लिए लेके गए हैं वो काफी ज्यादा बोले रहेंगे उनके लिए। हीरोज गेमिंग मानना पड़ेगा 18 अंकों लेके कि आउट ऑफ नोवेयर, कोई उम्मीद नहीं थी उनसे क्योंकि एक प्लेयर बचा था, बट यही होता है हार ना मानना, यही एक प्राइम एग्जाम्पल है उसका। 3-0 Glitchex Reborn, even JD Esports जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तीनों के पास 14 पॉइंट्स देखने को मिले। उसके अलावा जी इंगोकर नागो, इंगोकर नागो क्या शानदार इस्तेमाल, गाइस इधर आओ ना, ड्रा उधर आओ ना, ड्रा रो इधर इधर ना रो, तू ही बोलो उधर उधर आओ ना रो, उधर उधर लास्ट मैन शाइनिंग, लास्ट मैन शाइनिंग, लास्ट मैन शाइनिंग, लास्ट मैन शाइनिंग, हो और इस मैच के बाद भी वो रहेंगे। पहला नाम ऑब्वियसली आप जेडी का लिख सकते हैं, दूसरा नाम आप एचजी का लिख सकते हैं क्योंकि बैक टू बैक दो मैच में चिकन डिनर लेकर गए और 18 और 16 बहुत अंक ले जा चुके हैं। अगली बार रॉबिन थे जो अकेले वो कारनामा अपनी टीम के लिए करके गए थे, इस बार तो उनके चारों खिलाड़ी आए, उन्होंने कहा कि रॉबिन आपको अकेले काम करने की जरूरत नहीं है, हम भी मौजूद हैं और एज अ टीम वो आगे बढ़े और फाइनली हम जो कह रहे थे कि बैक टू बैक कोई एक टीम आएगी और वो दो चिकन डिनर लेकर जाएगी, एचजी ने वो कारनामा करके दिखाया। पिछला मैच वहां पे भी चिकन डिनर लेकर गए, रॉबिन वहां पर अपनी टीम के शेर बने और वो फिनिशेस भी निकाले और चिकन डिनर भी दिलाया। इस मैच में एज अ टीम वो खेल कर गए और एक और बात आप कह सकते हैं कि सर्कल का एडवांटेज बैक टू बैक उनके ऊपर होता रहा, बट जब डिसएडवांटेज आया तो ऐसा नहीं था कि वो फाइट वो हार गए हों, वो फाइट भी उन्होंने जीती है। जी बिल्कुल, ओवरऑल स्टैंडिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, इस एक चीज का इंतजार इतने समय से हमने किया था एंड आप देखिए Glitchex Reborn ये पहले पायदान पे आपको देखने को मिलेगी। FS Esports 50 अंकों के साथ ये टीम क्वालिफाई होती हुई एंड हीरोज गेमिंग 45 के साथ ये, उसके बाद भी 45 अंक है हीरोज गेमिंग, जैसा आपने बताया चिकन डिनर्स के बल पे वो यहाँ पे क्वालिफाई करके जाएंगे अगले राउंड में। कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा देखने को मिला इस ग्रुप के अंदर, जहाँ पे कट ऑफ चाहे जितना भी हो फर्क नहीं पड़ता,